ऑल ऑफ यू इलेक्ट्रिकल मशीन चैप्टर नंबर 4 सिंक्रोनस मोटर। ओके सो लास्ट टाइम डिस्कशन अबाउट सिंक्रोनस मोटर टॉर्क इक्वेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क। ओके सो टुडे डिस्कशन अबाउट व्हाई सिंक्रोनस मोटर इज कांस्टेंट स्पीड मोटर। ओके सिंक्रोनस मोटर को हम कांस्टेंट स्पीड मोटर क्यों बोलते हैं? ओके तो सबसे पहले बात करते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मोटर में आप देखेंगे तो RMF होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस व्हेन AC सप्लाई इज गिवन टू आर्मेचर। ठीक है, सो सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा, आर्मेचर बाहर होगा, मींस स्टेटर पे होगा और फील्ड हमारी घूमती होगी। ठीक है, लेकिन अन्य मोटर में क्या होगा कि हमारा बाहर क्या होगा, फील्ड होगा स्टेटर और रोटर हमारा घूमता होगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा होगा, आर्मेचर हमारा स्टेटर पे होगा और रोटर में हमारी फील्ड होगी। ठीक है, सो दिस फील्ड रोटेट विद सिंक्रोनस स्पीड। ओके, जब आर्मेचर में हम AC सप्लाई देंगे तो क्या होगा, हमारी फील्ड होगी RMF रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड होगी, NS=120f/P। ओके सो द नंबर ऑफ पोल ऑन रोटर RKF इक्वल टू नंबर ऑफ पोल विच आर आर्मेचर वाइंडिंग। ओके सो नंबर ऑफ पोल आर ऑन रोटर पे जो भी पोल होंगे वो इज इक्वल टू आर्मेचर वाइंडिंग में जो भी इमेजनरी पोल क्रिएट होंगे वो। ओके सो नंबर ऑफ पोल रोटर में हमारे मान लो 4 पोल है तो 4 ही पोल हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के ऊपर होंगे इमेजनरी। ओके सो द रोटर इज रन अबाउट सिंक्रोनस स्पीड। ओके रन अबाउट सिंक्रोनस स्पीड एंड DC सप्लाई इज गिवन टू फील्ड। फील्ड कहाँ पे, रोटर में है, तो रोटर में हम क्या किया, 3-phase AC DC सप्लाई दिया और AC हमको आर्मेचर में दिया। ठीक है, सो द एक्चुअल पोल आर मैग्नेटिकली लॉक्ड विथ इमेजनरी पोल। मैग्नेटिकली क्या होगा, इमेजनरी पोल होते हैं, इमेजनरी पोल कहाँ होंगे, दो टाइप्स के पोल होंगे, इमेजनरी एंड रियल। ठीक है, सो रियल पोल आर ऑन रोटर एंड इमेजनरी पोल ऑन स्टेटर मीन्स आर्मेचर में। ठीक है, सो रोटर स्टार्ट रोटेटिंग विथ सिंक्रोनस स्पीड। अब क्या करेगा, मैग्नेटिकली लॉक करने का हम प्रयत्न करेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी टू अट्रैक्ट द सिंक्रोनस स्पीड विथ रोटर इज रोटेटिंग। ओके सो द नाउ स्पीड ऑफ द रोटेटिंग फील्ड इज कॉन्स्टेंट सो द स्पीड ऑफ रोटर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो रोटेटिंग फील्ड होती है आर्मेचर में दी है, उसकी फील्ड स्पीड कॉन्स्टेंट होती है एज वेल एज रोटर की स्पीड कॉन्स्टेंट होती है। ओके सो द मैकेनिकल लोड इज अप्लाइड ऑन द रोटर फॉल बैक स्लाइटली। ओके सो रोटर की स्पीड क्या होती है, स्लाइटली फॉल्स बैक मीन्स पीछे पड़ती है स्लाइट, बट स्पीड रिमेन द सिंक्रोनस स्पीड। ओके हाउएवर इफ द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द कैपेसिटी मोटर फॉल आउट द सिंक्रोनिज्म एंड मोटर रोटर स्टॉप्स। ओके मोटर हमारी फेल हो जाएगी एज वेल एज रोटर हमारा स्टॉप हो जाएगा। कब, उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हम लोड इंक्रीज करेंगे तब, कम लोड इसको कनेक्ट कर पाएंगे करेंगे तब। ठीक है, अदरवाइज हमारी कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड इज क्या होती है, रोटर की जो भी हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है वो। ठीक है, हंटिंग, अब हंटिंग होता क्या है सिंक्रोनस मोटर में, हंटिंग क्या होता है। ठीक है, हंटिंग हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, कि हंटिंग एक्चुअली क्या होता है, कि हंटिंग हमारा लोड एंगल होता है। ठीक है, हम बात करते थे एंगल इज प्रोड्यूस, एंगल मीन्स एक एंगल मीन्स गुजराती में कहते हैं खूणो एंगल। ठीक है, एंगल प्रोड्यूस बिटवीन एक्सिस इमेजनरी पोल एंड एक्चुअल पोल, एक इमेजनरी पोल जो आर्मेचर ऊपर छे देन एक्चुअल पोल हमारा फील्ड के पर है जो भी रोटर हमारा घूमता हुआ है वो, उसके बीच में एक लोड एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये हमारा क्या है, एन हमारा इमेजनरी रोटर है इसलिए इमेजनरी, और ये हमारा रियल इमेजनरी पोल एंड एक्चुअल पोल। ओके
तो इसके बीच का है अल्फा है, तो क्या बोलेंगे, लोड एंगल बोलेंगे, इज डिनोटेड बाय अल्फा। ओके, तो ये हमारा अल्फा बढ़ेगा कब, जब लोड को हम इंक्रीज करेंगे तब। सपोज इनिशियली लोड एंगल अल्फा, नाउ व्हेन द लोड ऑन मोटर इंक्रीज, सपोज मान लो कि अब लोड हमने इंक्रीज कर दिया, सबसे पहले तो एंगल हमारा अल्फा था, अब इंक्रीज कर दिया मोटर का लोड का, सडनली द न्यू वैल्यू ऑफ लोड एंगल, न्यू वैल्यू ऑफ लोड एंगल शुड अल्फा वन। पुराना तो था अल्फा, लेकिन हमने मोटर में लोड हमने बढ़ाया तो अल्फा वन आया। ड्यू टू द इनर्सिया ऑफ रोटर इज रोटर फॉल बाय मोर एंगल देन अल्फा वन। इनर्सिया के कारण क्या होगा, जो भी एंगल है अल्फा वन वो फॉल बाय मोर एंगल, मीन्स अल्फा वन हमारा एंगल उससे हमारा आगे निकलने की कोशिश करेगा। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड द पोजिशन द रोटर कम्स बैक टू मेक एंगल अल्फा वन, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, एज इट इज हमारा अल्फा वन है वो ही रहेगा। अगेन ड्यू टू इनर्सिया रोटर वाइल कमिंग बैक, इनर्सिया के जरिए फिर से पीछे पड़ेगा, अब आगे निकलने की कोशिश करता था मोर एंगल, अब कमिंग बैक पीछे आएगा। ओके, एंड क्रॉसेस अ डिजायरेबल वैल्यू, इसी तरह आपको डॉटेड लाइन में दिखा रहा है वो। ओके, दिस इज रिपीटेड अंटिल न्यू पोजिशन ऑफ अल्फा वन इज एस्टैब्लिश, ऐसा हमारा क्या होगा, रिपीट होता रहेगा अंटिल अल्फा वन इज एस्टैब्लिश। अल्फा वन जब तक हमारा डिसाइड नहीं होगा कि अल्फा वन चलो मान लो कितना एंगल हमें मिल गया। ओके, तो ये ऑसिलेशन चलता ही रहेगा, अल्फा वन में कम बैक आएगा, आगे निकल जाएगा, उसी तरह का क्या आएगा, ऑसिलेशन रोटर में आता ही रहेगा। तो इस ऑसिलेशन को क्या कहेंगे, हंटिंग कहेंगे, ठीक है, और ये हंटिंग हमारे मोटर में बहुत ही होता है, लॉसेस, एफिशिएंसी एज वेल एज परफॉर्मेंस में बहुत ही उम्दा रोल बजाता है। ओके, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हंटिंग। अब हंटिंग दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, डैम्पर वाइंडिंग लगेंगे, ठीक है, तो डैम्पर वाइंडिंग लगाएंगे तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड को कम करेगा, एज वेल एज जो भी हमारा लोड एंगल आएगा खास करके अल्फा वन अल्फा, उसको क्या है, कम करेगा, ठीक है। सो लोड एंगल कम करेगा तो क्या करेंगे कि हमारा इमेजनरी पोल और एक्चुअल पोल है उसके रिलेटिव स्पीड को जीरो या नियर बाय ज़ीरो करेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारी जो भी सिंक्रोनस मोटर है वो क्या करेगी, सिंक्रोनस परफेक्टली सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगी, ठीक है। तो ये था हंटिंग और हाउ टू मिनिमाइज इट, ठीक है। सो आई हैव कंक्लूड लेक्चर हियर एंड टुडे डिस्कशन अबाउट हंटिंग एज वेल एज सिंक्रोनस मोटर बाय कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर, ठीक है। सो आई हैव कंक्लूड लेक्चर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।